दोस्तों वैसे तो हम जानते हैं कि सुखोई 30 MKI एक रशियन प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब से इसे भारत ने खरीदा है उसके बाद से इसके एनहांसमेंट का काम जिस हिसाब से DRDO द्वारा किया जा रहा है, यकीन मानिए ये इस समय पूरी तरह से 30 मार्का वाले रोल में आ चुका है और अब ये किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर आप इसका एडवांस एवियोनिक्स ले लीजिए जिसके ऊपर DRDO ने बहुत काम किया है। रिसेंटली खबर निकल कर आई थी कि इसके इंजन के ऊपर भी काम किया जाने वाला है DRDO की तरफ से, यानी चूंकि इसके इंजन की टेक्नोलॉजी हमारे पास है इस वजह से कुछ नए इंजन बनाए जाएंगे और उन्हें रिप्लेस किया जाएगा फ्लीट के अंदर उन फाइटर जेट के अंदर जिनके इंजन में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें सुखोई को एक नया रूप दे देगी। इसके अलावा इसके एल्गोरिदम के ऊपर काम किया गया, मिशन कंप्यूटर के ऊपर काम किया गया और सबसे बड़ी बात इसकी हथियारों की प्रणाली जो कि किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने इसमें मीटियोर मिसाइल जैसी मिसाइलें भी तैयार करके इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब इसे हर तरह से एक सुपर फाइटर जेट बनाने की कोशिश की जा रही है। आफ्टरऑल ये हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में है तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफी लंबे समय तक बहुत ज्यादा होने वाली है भारतीय वायुसेना के लिए। इस वजह से इसके लिए नए नए वेपन्स बनाए जा रहे हैं। अभी आपको याद होगा DRDO द्वारा इसके लिए एक वेपन तैयार किया गया था जिसे कहा जाता है शॉ, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये काफी ज्यादा छोटा लेकिन बहुत ही ज्यादा कारगर हथियार है। छोटा इसलिए क्योंकि इसकी रेंज भी केवल 100 किलोमीटर है, 128 किलो का इसको टोटल वजन है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ये ऐसी जगहों पर स्ट्राइक कर सकता है जो कि दुश्मनों द्वारा भारत के ऊपर अटैक करने के लिए बनाई गई हो, जैसे कि दुश्मनों के रनवे हो, उनके विमानों के हैंगर्स हो, बंकर्स हो, उनके रडार सिस्टम हो या अन्य किसी और तरह का कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसका इस्तेमाल करके दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इन सभी को निशाना बनाकर उन्हें डैमेज करता है ये। तो अल्टीमेटली दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों इसी का बताया जा रहा है कि 2.0 वेरिएंट भी बनाया जा रहा है DRDO की तरफ से, जिसमें ये किसी मिनिएचर क्रूज मिसाइल के भांति काम करेगा। जी हाँ, जिससे कि इसकी वॉरहेड ले जाने की क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि दुश्मनों के वो टारगेट जो कि मोबाइल हैं उनको स्पेशली ये टारगेट करने में सक्षम होगा और साथ ही इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा डीप हो जाएगी पहले की तुलना में। अब मोबाइल टारगेट बोला जाए तो ऐसी मिसाइलें जो कि कैनिस्टर से लॉन्च की जा सकती है, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है जो कि मूविंग होते हैं, उनके ऊपर भी अटैक करने में ये पूरी तरह से सक्षम होगा। मान लीजिए चाइना ने अपने S-400 की डिप्लॉयमेंट कहीं से बदलने की कोशिश की तो उस दौरान भी हम लोग उस S-400 के ऊपर इससे निशाना बना पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अब इसके लिए तैयारी दरअसल ये की जा रही है कि इसके अंदर एक एडिशनल टर्बोजेट प्रोपल्शन सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा। तो पुरानी रेंज पूरी कर देने के बाद यानी 100 किलोमीटर के बाद ये मिनी टर्बोजेट प्रोपल्शन सिस्टम स्टार्ट होगा, जिससे कि इसकी रेंज पहले की तुलना में बढ़ जाएगी और साथ ही इसकी भार ले जाने की क्षमता भी पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तो डीप स्ट्राइक कर पाएगा और ज्यादा विध्वंसक होगा क्योंकि वॉरहेड अब हमारे पास ज्यादा होगा। और इसे स्पेशली तैयार किया जा रहा है Su-30 जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि एक सेफ दूरी से भी इस वेपन का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जा सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि Su-30 जैसे प्लेटफॉर्म्स में इन 6 वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए क्वाड लॉन्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आप 8 की संख्या में, 12 की संख्या में या फिर 16 की संख्या में इन्हें कैरी कर पाएंगे। यानी ऐसे लॉन्चर इसके लिए तैयार होंगे जिसमें आप एक साथ 4 की संख्या में शॉ को कैरी कर सकेंगे। तो जितने लॉन्चर आप अपने प्लेटफॉर्म में लगाएंगे उतने ही नंबर्स में शॉ को आप कैरी कर पाएंगे। अब शॉ की अगर बात की जाए तो ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक करने में पूरी तरह से सक्षम है। दिन हो, रात हो, किसी भी मौसम हो, ये सभी तरह की कंडीशंस को फेस कर सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर आधारित ये बहुत ही ताकतवर और सटीक हमला करने वाला वेपन है। और पहले जब इसके फायर टेस्ट वगैरह किए गए हैं उन सभी में इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए हमारे सारे पैरामीटर्स पर यह खरा उतरा है। तो अब जब इसका 2.0 वेरिएंट आ जाएगा उसके बाद तो इसकी धाक जो है वो एक नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच सकती है। तो अल्टीमेटली सुखोई 30 एमकेआई की जो ओरिजिनल कैपेबिलिटी है उससे कई गुना ज्यादा इसे इन्हांस कर दिया गया है DRDO के प्रयासों से। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।